मुझे लग रहा है इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आज है हमारा पहला नवरात्र सुबह को ना माता रानी की तरह तैयार करती हूँ। ये है माता रानी की चुन्नी। उई वाह, उई माता रानी लिपस्टिक तो कितने अच्छे से लगवा रही है देख ला। तो गाइस बैड न्यूज है, ये तो बहुत बड़ी। हमारी बिल्डिंग है दीदी, हमारी बिल्डिंग नहीं है। हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम के लिए माँ बाबू का नाम करूंगा। जैद की तबीयत ना मुझे 10 दिन से ना इसको लूज टूल हो रहे हैं, आज बहुत ज्यादा हो गए हैं। मुझे लग रहा है इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और मुझे कल दिल्ली काम से जाना था पर मैं वो कैंसिल कर चुकी हूँ क्योंकि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। क्या हो गया आपको? लूज टूल, मैं अभी लेके चलती हूँ। तो ये लड़का ना ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, 10 से 12 दिन हो गए हैं इसको लूज मोशन कंटिन्यूज हो रहे हैं। अब दांत की वजह से हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। इसकी पहले माइल्ड वाली दवाई थी वो भी हमने चेंज कर दी, थोड़ी हार्ड कर ली कि स्टूल इसके बंद हो जाए, पर इसका स्टूल बंद नहीं हो रहे हैं। कल भी जो है मैंने डॉक्टर से बात करके इसकी मेडिसिन चेंज करी थी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी बज रहे रात के 12:15 हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस पता नहीं क्या ही हो रहा है, ये लड़का बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी इसको कम से कम 10 टाइम्स ना लूजन हो गया है, और मैं नहीं चाहती इसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। ORS भी पिला दिया, सब कुछ कर दिया, इसकी सारी दवाइयाँ दे दी, फिर भी इसको लूज टूल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी कितने 12:30 बज रहे होंगे है ना? हाँ इतने। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ इसको हॉस्पिटल। तो जस्ट अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला जो दवाइयाँ आप दे रहे हो अगर उससे नहीं हो रहा है फर्क तो आप ऐसा करो इसको एडमिट कर दो, और एडमिट मैं ऐसे नहीं करा सकती क्योंकि गोलू और चिबी पापा है नहीं, वो जब आएंगे तब मैं इसको एडमिट कराऊंगी क्योंकि लूज मोशन इसके बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे, आज भी 7 से 8 बार हो गए हैं। तो जैसे वो कल आते ना फिर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर कल तक भी ऐसा रहा तो फिर इसको एडमिट कराना पड़ेगा। तो जितने भी लोग मेरे ब्लॉग पे नए हैं जब भी सबसे पहले बेल आइकन प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, साथ ही साथ सभी को हैप्पी ईद, और साथ ही साथ दिनों से रमजान चल रहे थे तो सभी लोगों को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो अभी गाइज मैं आपको तौबा का ड्रामा दिखाती हूँ, देखो। तो जैदू भैया के साथ हम पूजा करेंगे भगवान जी की, आज है हमारा पहला नवरात्र। जल्दी शशि को जाए बच्चा। वेरी गुड। जय मैया रानी, बच्चों को ठीक रखो, जय रानी, ऐसे करो। वेरी गुड। वेरी गुड, ताली बजा दो, जय जय कर दो मैया रानी को, जय जय कर दो, चलो ऐसे जय जय कर दो। तो गाइज मैंने ऐसा सोचा है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी देखो हर जगह होती है, हर बच्ची में होती है, हर बच्चे में होती है, तो हमारे यहाँ पे तुबा रानी है। तो मैं सोच रही हूँ आज पहली बार मैं तुबा को ना माता रानी का चोला पहनाती हूँ, मतलब माता रानी की तरह तैयार करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं बाहर निकली हूँ, तो देखती हूँ उसके लिए कुछ कपड़े मिलते हैं नहीं मिलते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। मेरे फेस पे ना पहली बार इतना बड़ा पिंपल हुआ है, आज तक इतना बड़ा पिंपल कभी नहीं हुआ जिंदगी में, तो ये पिंपल मुझे बहुत पेन कर रहा है। रात को मैं ना उल्टे मुंह सोती हूँ ना तब भी ये दर्द करता है ऐसे करके, तो मेरे को बड़ी मुश्किल से क्योंकि मेरे को आदत है ऐसे करके सोने की, ये बड़ा दर्द कर रहा है। तो गाइज मैंने आज सोचा है ना तो माता रानी यहाँ पे ना माता रानी की चोला लेने आई हूँ, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है जब भी घर में, जैसे हमारे गणपति जी आते हैं या फिर हमारी जन्माष्टमी होती है, मैं यही से सारा सामान ले जाती हूँ, तो मैं यही आ गई। तो वन एंड ओनली शॉप है जहाँ पे आपको जो भी कुछ चाहिए पूजा पाठ से लेकर लेते हैं सब कुछ मिल जाता है, तो मैं जाती हूँ और ड्रेस देख लिया। तो मैंने ये वाला साइज देखा है, इससे भी बड़ा एक साइज है तो मैं वो ले रही हूँ, क्योंकि ये तो ठीक है ये तो आ जाएगा उसके, पर ये जो ऊपर का है ना ये नहीं आ पाएगा, तो मैंने बोला इससे बड़ा साइज दे दूँ, इससे बड़ा साइज ले रही हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल है, मैं यही वाला ले रही हूँ और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। रेड भी लूँ या फिर ये पर्पल लूँ? भाई अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, वैसे इनके पास रेड भी है। इसमें रेड है? तो भाई यहाँ पे तुबा के साइज का हार भी मिल गया, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, बिल्कुल माता रानी बन जाएगी। अच्छा है ना? अच्छा भाभी, इसके साथ मैचिंग है कुछ? तो ये वाले मैंने त्रिशूल लिए हैं, ये वाला सेट लिया है, साथ में मैंने लिए हैं ये वाले मुकुट और ये वाला ड्रेस। बाल दे दो, नहीं आनी है। तो गाइज अभी ना मेरे को 60 रुपए गूगल पे करना था, 60 रुपए की जगह 6,000 रुपए करने वाली थी। तो गाइज मेरा ना फास्ट नहीं है, ये मत बोलना फास्ट है, आइसक्रीम खा ली क्योंकि मैंने मेरी पथरी की दवाई चल रही है, उसके 10 दिन का कोर्स है, तो मैंने फास्ट इसलिए नहीं रख पाई क्योंकि कोर्स बीच में नहीं छोड़ सकती। दीदी ने बोला था कि पूरी दवाई खाना और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराना और देखना गायब हो जाएगी, तो बस मैं इसीलिए मैंने फास्ट लिखा, बाकी पूजा रोज होगी घर में। तो गाइज बैंगल्स तो जो छोटी है ना कांच की वो मिली नहीं तुबा के लिए क्योंकि तुबा का साइज बहुत छोटा है, तो प्लास्टिक की थी, प्लास्टिक की ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि वही वाली करा दूंगी। आधी तो
मैंने टुकड़ों को बना दी थी, आधी और रखी थी, तो सारी मिला के मिक्स करके उसे अच्छा से डिजाइन करके बना दूंगी। तो गाइस ये है माता रानी की चुन्नी, ये है माता रानी का चोला, वो सब उतर उतर पैक रही, ये है माता रानी का लहंगा, बहुत सुंदर लहंगा है ना, हाँ जचेगा इसमें, और ये है सेम वो देख रहा क्या कर रही है, मुकुट चुन्नी उड़ रही है और हड्डी फंस गई, ये है माता रानी का सेट, देखो कितना प्यारा है, ओह कितना सुंदर है, छोटू सा अच्छे लग रहे ना, हाँ ये लाई मैंने, और ये माता रानी की चोटी, इतने लंबी चुन्नी ओढ़ के बैठी कब से, मुंगड़ काट के चुन्नी नहीं हटा रही, चुन्नी मुंगड़ काट के बैठ गई। तो भाई तूबा को ना बातों में लगा के तूबा को जो है रेडी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ना सबसे मेन बिंदी लगा देती हूँ माता रानी के माथे पे बिंदी, मेकअप ज्यादा मेकअप नहीं करूंगी, सिर्फ हल्का सा ब्लशर हल्के से लिपस्टिक लगाऊंगी, हाँ तालो तालो आप आराम से सुताओ, तब तक मम्मी आपको सजाएगी, ठीक है टूबू, बिंदी तो आराम से लगवा लेते नहीं, बिंदी लगा ले, बिंदी 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 कितने प्यार से बिंदी लगवाती है लड़किया, तो भाई ये पीछे स्टार्ट करो यहाँ से, यहाँ से इसको ना सेंटर में करना पड़ेगा, ये सेंटर गया, फिर अच्छा ठीक ठीक है तुबा तुबा ये ले बस, तो ये ले लो तुबा, दर्शन तो करा लेती है आराम से, बाशर बाशर अच्छा लगा ले तुबा, ठीक है ठीक है, अच्छा ले इतना बोलते गुदगुदी हो रही इसको, बस लगाओ चलो 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 दीदी चले, कहाँ चले, नीचे चले पाक, चल ब्रश तो आराम से लगा लेती है, ठीक है ये कोटी पहनाओ बहुत बच्चे करने नहीं देते, तू आराम से करने दे रही है, इसको कार्टून इसमें लगा दिया ना मैंने, तो ये अब आराम से करने दे रही है, पहली बात अब तूबा का नेकलेस बना दो, नेकलेस की लहंगा नेकलेस बना दो पहले, तो गाइस बड़ा टूट गया था दोनों साइड से, ये खींचेगी क्या, ये बार में डालना, ज्यादा टाइट ना करना, हल्का से कोई आया आंटी लगा दो, तूबी तुबू दिखाओ, सुंदर लग रही मैडम, शीशा देख लो सही लग रही हो, खाने के लिए थोड़ी दी है, सबसे मेन है बाल, मुकुट का है, मुकुट भी है, का है? रखा है इधर ये, अच्छा पहले बाल लगा देती हूँ, डर गई वो, माता रानी एकदम मारा पीछे से लगा देना बात, ले तू बोले शीशा देखो, रुक जाओ अभी रुक जाओ, देखना आप पहले, हाँ शीशा कैसे लग रहा है तुबा, है अच्छा लग रहा है तू भी, माता रानी म्याओ म्याओ, तू को पाल हाँ ये तो बाल नहीं रहने देगी, मम्मा लगा ले देखो, मम्मा ने कैसे लगाया, मेरे सारा मेकअप हो गया, बस लिपस्टिक लगानी, लिपस्टिक लगाओ फिर लगाना बाल, ठीक है ठीक, चलो लिपस्टिक रेड लिपस्टिक लगाए के पिंट लगाए, आ करो आ लिपस्टिक लिपस्टिक दिख 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 देख रही है लिपस्टिक का कितना शौक है, सभी देख देख तो वो ऐसे कर ले, ऐसे करो आ वेरी गुड तू वो देखो लिपस्टिक तो कितने अच्छे से लगवा रही है, देख ला मुंह में नहीं लिप्स पे ओनली, अच्छा लो पकड़ मुंह में डालेगी, कप्पे गंदे जाएंगे कप्पे गंदे जाएंगे कप्पे गंदे, मम्मा को लगाओ, चलो मम्मा को लगाओ, मम्मा को ना मम्मा को लूंगो थोड़ा पिंक पिंक, मेरे को ज्यादा पिंक पिंक डालते हैं, पिंक पिंक ऐसे अच्छे लग रहे हैं, अब इसको बाल कैसे लगाएं, सबसे बड़ी हमारी टास्क है, उसको भारी भार लगना सिर पे, ऐसे लगा दो ना मुकुट लगा के, जे ले दूबा और चुन्नी मिल रही वो तो, आंटी दे दो उसे बंद करके दे दो, माता रानी का दरबार सजाया, इसके ऊपर मुकुट लगाओ, माता रानी का दरबार सजाया, ओ ले 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 फोन ले ले, मम्मा का फोन करियो, मम्मा का फोन करियो, ये ले भी ले ले, मेरा ग्लोव भी ले ले, मैं लिपस्टिक लगा दूं, लो अपने लगाओ अपने, लो आप ले लो, खराब कर बंद कर दिया मैंने, खुल मुंह से निकाल वो ढक्कन, मैं कह रही खुल ली है, नहीं मैंने नीचे कर दिया था, मुझे बताया था, चल ये तो लिप्स पे लगते है तो मुंह में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बंद कर दिया, माता रानी की जय हो, लिप्स आपको माता रानी की जय हो, काट रहे बहुत जोर से काट रही है, बुरानी लग रही पूरी, बल्ले बल्ले शावा शावा जयकारा शेरा वाली माता दा, अच्छा मैं लगाऊंगी मैं देख तू वो देख तू वो, मम्मी देख कितनी सुंदर लग रही है, देख मम्मी मुंह पर भी लगाएगी तेरी, अब देख लग रही ना माता रानी अच्छी, देख ऐसे बनाऊंगी आपको भी, लगा दू दांत में देख देख दांत में बना दू, माता रानी बन गई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, तू बारानी बड़ी सयानी पीती पानी खाती खाना, तू बारानी बड़ी सयानी, तो माता रानी हमारी थक गई है, तू बहुत सुंदर लगेगी, बाल लगाओ तो सही बेटा, एक बार मम्मा के कहने से लगा लो प्लीज, बस बाद में खाना पहले आप बाल लगा लो, बाहर चले चलो चलो बाहर चले चलो घूमने चले,
तो तूबा चली गई अपने स्थान पे सोने, उन तक गई थी माता रानी हमारी। बड़ी मुश्किल से हमने उसे माता रानी बनाया, उसने बाल तो लगाने ही नहीं दिए गाइस। इतने सुंदर बाल लेके आई थी, उसके बाल नहीं थे ना, तो मैंने सोचा इतने प्यारे से बाल हैं। अब पता क्या, कब काम आएंगे भैया? दो साल बाद। नहीं, जब वो दो साल की जाएगी, ये ज्यादा यार इनको कुछ बनाऊंगी ना। हाँ, ये जुड़ा है ना कि शिव जी बनाएंगे भाभी। ज्यादा यार छोटा शिव जी बनाएंगे, शिवरात्रि पे शिव जी बनाऊंगे और उसको खाना बनाएंगे, तब ये काम आ जाएगा, उसे संभाल के रख दे। हाँ, बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा था, बाल नहीं लगवाया। भाभी मैं ये कह रहा था, मैंने कहा चलो माता रानी वाला अपन, जैसे अपने पिछली बार गया था ना, वो अपन कर तो लेते, आप माता रानी बने थे, लेकिन उसमें मैं शेर बना था, लेकिन इस बार मैं शेर नहीं बना, इस बार इस शेर का पंजा टूटा, पंजा टूट गया, इसका पंजा टूटा हुआ। उस दिन तुम दो जने थे ना शेर के नीचे? हाँ, मैं और मेरे साथ वो था, टिंकू था, यही वाला टिंकू अपना? नहीं नहीं, वो दूसरा वाला टिंकू। अच्छा, टिंकू भैया। हाँ, ये टिंकू तो कैमरा चला रहा था। जैदू उठ गया, उठ गया मेरा जैदू बेटा, सबसे पहले मेरे पास आया, उठती क्योंकि मैं दूर थी ना, तू पास था गेट के, इसलिए। तो यहाँ पे आनू भी उठ गया है, जैदू भाई के साथ छोया था, जैदू भाई के साथ उठ गया। कहाँ चाहिए? मेरा हाथ चाहिए, मेरा हाथ चाहिए, मेरे पास आना, मेरे पास आना आपको। आ जाओ फिर मेरे, आ जाओ, आपको ब्रेड पकौड़े खाने, मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया, देखो बैद आ गई, बैद आ गई, बैद बैद खाएंगे, बैद आनू और मम्मा खाएंगी ब्रेड पकौड़ा। नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, अभी आप नीचे गए थे ना, आपको पार्क में घुमा के लाए थे, फिर आपने वहाँ पे फुल मिट्टी मिट्टी में खेला था, अब नहीं उतर ही गया। तो गाइस आजकल बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है मुझे, पहले इतनी भूख नहीं लगती थी, अब लगने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट तो है, मेरा वेट जो है 4-5 किलो और बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे हर आधे पौने घंटे में भूख लग रही है, 8-15 घंटे में भूख लग रही है। तो अभी मैंने बनवाए हैं ब्रेड पकौड़े, तो हम लोग भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो जब से गोलू और चीकू के पापा दिल्ली गए ना, यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है कुछ भी करने का। वैसे अगर गोलू होती ना तो मैं मार्केट जाती, मैं कुछ शॉपिंग करके आती, और जैसे कि आप सबको पता है अयान जैद का बर्थडे आने वाला है 26 तारीख का। आज कितनी तारीख होगी? आज होगी 9 तारीख, 9 तारीख हो गई, ज्यादा दिन है नहीं उसके बर्थडे के लिए, तो कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है। मैं सोच रही हूँ क्या करें क्या करें। अब जैद के बर्थडे पे सब कुछ मैंने किया था, अब मैं गोलू पे छोड़ूंगी, गोलू देखती हूँ कि कैसे मैनेज करती है, क्योंकि मेरा अभी कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए। चीकू तो कह रहा है कि चीकू के बर्थडे पे पूल पार्टी होनी चाहिए, अयान के बर्थडे पे, अयान जैद के बर्थडे पे ना एक्चुअली क्या हुआ ना, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैंने ये सोचा था कि जब हम घर के नीचे पार्टी रखेंगे ना, तो बच्चों को ना इधर उधर जाने में ना प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कहीं और पार्टी रखते हैं तो बच्चे का खाना पीना डायपर सूसू सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपनी सोसाइटी में रखवाया था, और सोसाइटी में रखने के टाइम पे ना बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स थी कि यहाँ खाना क्यों बन रहा है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि इतना डीजे क्यों है, ये है, काफी लोग तो लड़ने भी आ गए थे। अब हम क्या ही बताएं आपको, देखो सबका यहाँ पे प्रोग्राम होता है पर हम कभी कुछ नहीं बोलते, पर वो ये कि शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हमारे हलवाई के साथ, या फिर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम दो नीचे थे उस टाइम, तो जो हमारे हलवाई भैया थे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई शायद सोसाइटी वालों की, या फिर उन्होंने कुछ बोला या सोसाइटी वालों ने कुछ बोला, या अभी हमें कन्फर्म नहीं है। मैं भी उस लफड़े में पड़ी थी, मैंने कहा चलो रात गई बात गई। तो अब ये सोचा है कि अब कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो किसी का भी बर्थडे हो, हम अपनी सोसाइटी में सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। तो भाई तूबा ना सोने के लिए परेशान हो रही थी, तो हमने उसे सुला दिया है, एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे उसे ना दोबारा से माता रानी के पूरा चोला बाल मुकुट बिंदी चूड़ियां सब कुछ लगाने की ट्राई करेंगे। अगर उसने करवाया तो आपको जरूर दिखाएंगे। और सच में तूबा अभी आधा उसका हुआ था, गेटअप हुआ था, और उसमें भी वो छोटी सी माता रानी लग रही थी। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि वो पूरे कपड़े पहन के बाल बाल लगा के मुकुट लगा के मैं आपको दिखा पाऊँ। अनु बाय कर ले, बाय 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 बाय, जल्दी जल्दी करो हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। तो भाई बच्चों के कमरे में रोज कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो अभी पर्दों की जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाई थी बच्चों की, तो मैंने ना सोचा कि पर्दे जो है ना बच्चों के अंदर ना लगवा के बाहर लगाते, क्योंकि अंदर लगवाते ना फिर तूबा ना पर्दे के पीछे जाती है और शीशे में सर मारती है बार बार, तो मैं ये सारा पर्दा जो है ना बाहर की तरफ इस तरफ करवा रही। तो भाई अभी अभी मेरे पास फोन आया, हमारे नीचे लड़का जो काम करता है ना 10 फ्लोर पे ना हमारे तोते थे, तो उसका फोन आया कि एक तोता नहीं है, एक तोता ऐसे कैसे जा सकता है, क्योंकि घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद रहते हैं, पंखा चलता है, एक जाली वाली खिड़की खुली रहती है, जाली में से तो निकल नहीं सकते। तो भी देखते कौन सा तोता आया। तो गाइस मैंने भी पूछा, गेट सारे बंद थे, इसलिए कहा बंद थे, फिर अभी बोला कि नहीं यहाँ से खुला हुआ था, इसका मतलब वो यहाँ से और यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ तो जाली लगी हुई है। लाइट जल रही भाई। तो गाइस हमारा राम जो है, राम हो गया, अब इसको तो अंदर डालो, पिंजरा कैसे पिंजरा कैसे खुल के चला गया होगा, क्या करे, वहां से दिखाई दे रही जाली पूरी काटी उसने, काट के निकल गई, यहाँ पे शिफ्ट करी है उसने और यहाँ से निकला पूरा काट के। जब हम ये पता कितने बजे निकला है, मेरे हिसाब से 4 से 5 बजे के बीच में, नीचे बच्चों को खिला रहे थे हम, तो ना आवाज आ रही थी, हमें लगा अंदर से आ रही आवाज, वो यहाँ से आवाज आ रही थी इसका मतलब। तो गाइस बैड न्यूज है, ये तो बहुत बड़ी, कि गंगा वहीं पे और राम गायब हो गया,
और दोनों हमेशा से इतने टाइम से एक साथ रह रहे थे, मुझे लगता राम वापस आ जाएगा, बाकी एक बार छत पे चेक कर लेते हैं। छत पे तो नहीं बैठा कभी, किसी छत पे बैठो राम, वो अपना नेट है क्या ऊपर? देखो ये भाभी, चलो 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 भाभी, कपड़ा चाहिए कोई। मीशो, हमारी बिल्डिंग है दीदी। हमारी बिल्डिंग नहीं है, अरे हमारी बिल्डिंग है। मीशो बेटा, मीशो मीशो बैठा, वो बैठा। अभी काम करो, ये यहाँ से ना भागे, यहाँ से भाग गया तो इस तरफ ही आएगा ना। कहाँ है मम्मा, दिखाना। भाभी एक जने को नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, दो जने पकड़ने जाएंगे। राम है, राम है। वो नहीं है, वो पत्ता है यार, वो तो उतर की पूछनी है, पर वो होगा यही कहीं। रोड पे जाके ना ये वाली जो बालकनी इसमें चेक कर लेते। भाभी इधर भी देखना पड़ेगा और इधर भी देखना पड़ेगा। मैं इस साइड से जाती हूँ, आप इस साइड से जाओ, ये दोनों बालकनी देखेंगे, यही है वो। ठीक है, वो लड़का कह रहा 7-10 को मैंने देखा है। यही है भैया, फिर यहाँ से उड़ के नहीं जाएगा। चलो एक काम करो, एक इस तरफ जाओ, एक इस तरफ जाओ। मीशो भैया तुझे उधर जाओ, इसमें 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 जाना है, ये वाली। राम इधर नहीं है भाई। तो गाइस बिल्डिंग में लड़के देखने गए, मैं तब तक ना यहाँ साइड वाले खेतों में देखने जा रही हूँ, क्योंकि वो इसी तरफ से उड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं खेतों में ना चला गया हो, अगर वहाँ मिल जाता तो वहाँ से तो हम पकड़ के ले आएंगे। तो गाइस एक घंटे से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमने अपनी सोसाइटी के साइड ढूंढ लिया सारा, अब हम इधर की तरफ खेतों की तरफ आए हैं, क्योंकि हमारी जो बालकनी थी जहाँ से काटा हुआ था वो उसके तरफ, ये देखो आवाज आई है उसकी, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आवाज आ रही है, जोर से चिल्लाता है ना। तो एक बार इधर पूरा ढूंढ के फिर उधर चलते हैं वापस। तो गाइज अभी बच चुके हैं 10:17, हम लोग तकरीबन 7:30 से जो है राम को ढूंढ रहे हैं, और राम बिल्कुल नहीं मिला। अभी हम B2 में गए थे छत पे, इनका एक बार छतों पे भी चेक कर लेते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी नेबर हमारे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने देखा था उसे काटते हुए, पर उनको पता नहीं था ये फ्लैट किसका है, तो वो बता नहीं पाए, उन्होंने फोटो भी खींची थी, तो राम उसमें साफ दिख रहा है कि वो जाला काट रहा है। तो अब हम एक बार फिर से ना अपनी वाली बिल्डिंग में सारी बालकनियाँ छान डालते। तो गाइज फिलहाल हम लोग आए थे अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर चेक कर लिया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है राम। अब हम सेकंड फ्लोर पे, अब पूरे 12 फ्लोर हम ऐसे चल के जाएंगे और चेक करेंगे राम को, क्या पता कहीं तो मिल जाए। तो गाइज आसपास दोनों हम खेतों में देख आए हैं, साथ बिल्डिंग में देख आए हैं, अब लास्ट गंगा पे हमें उम्मीद है कि गंगा अगर कुछ बोलती है और वापस वो सुन के यहाँ पे आता है, तो हम गंगा को लेके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि इसकी आवाज़ सुन के आ जाए।